22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष की कई पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। विपक्ष इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक स्टंट बता रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार भी कर दिया है, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लेकर कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। वहीं दूसरी तरफ लगता है कि आम आदमी पार्टी भगवान राम के परम भक्त और उनके दूत हनुमान को मनाने में लगी है। दरअसल दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों में आपके कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। खुद सीएम केजरीवाल भी अपनी पत्नी के साथ रोहिणी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले ही दिल्ली के सीएम को भगवान राम और सुंदरकांड पाठ याद आता है। उन्होंने एमसीडी चुनाव से ठीक पहले भी सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया था। अब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं तो आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। बांसुरी ने पूछा है कि क्या सीएम केजरीवाल इस कार्यक्रम में अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को शामिल कर रहे हैं, जो खुले मन से सनातन धर्म का विरोध करते नजर आते हैं। साथ ही बांसुरी स्वराज ने गठबंधन की सहयोगी पार्टी डीएमके और तमिलनाडु में मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी सवाल किया है। क्या अपने सहयोगी दल डीएमके के नेता को भी न्योता दे रहे हैं, जो सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करते हैं? वहीं दिल्ली कैबिनेट के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के चिराग में आयोजित सुंदरकांड कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सौरभ भारद्वाज ने 22 जनवरी को लेकर कहा कि निमंत्रण मिला है या नहीं इसकी जानकारी फिलहाल हमें नहीं है, लेकिन हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी हिंदू के ठेकेदार नहीं है। ये गलतफहमी है कि अगर आप खुद किसी पार्टी को हिंदू की ठेकेदारी दे दें तो वो पार्टी ले लेगी। कोई भी नेता किसी न किसी धर्म का होता है, वो अपनी धर्म में आस्था रखता है, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं इसलिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो करें। वहीं सुंदरकांड कार्यक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी पर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कटाक्ष कर रहे हैं। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने यह तय किया है कि हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। आप भाजपा से अलग कैसे हैं? भाजपा RSS और आप में कोई अंतर नहीं है, आप नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने केजरीवाल को छोटा रिचार्ज भी कहा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आप नेता राघव चड्ढा ने जवाब दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि हमें किसी भी नेता से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। किसी भी नए काम के शुरू होने से पहले वो प्रभु राम और बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा वो तीर्थ यात्रा भी चला रहे हैं।